अब आज के सी है प्रतिफल के आधार पर, दो पॉइंट मैंने बता दिए। पहला वाला पॉइंट आ गया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में, दूसरा पॉइंट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में, और जो तीसरा पॉइंट है आपके प्रतिफल के आधार पर, उसमें है आपके 3-4 पॉइंट है, 2-3 और है एक्स्ट्रा लोन के रूप में भी है, वो भी बाद में बताए। पहले ये वाला पॉइंट इसमें आ गया, यानी दूसरा पॉइंट। तीसरा एक और है आपके, वो कोलैटरल सिक्योरिटी वाला है, वो बाद में बताए। पहले ये बता दो, पहला तो कैश वाला है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में है वही नियम है, कोई चेंज नहीं है आपके। फिर है अदर देन केस, केस के अलावा अन्य मतलब संपत्तियां और दायित्व खरीदने में काम में लिया जाता है। संपत्ति खरीदे तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपने संपत्ति आई जो स्वास्थ्य से क्या करो, डीआर करो, एसेट्स अकाउंट डीआर। टू देने वाला कौन है उसको क्या करो, सीआर करो। देने वाला कौन है, वेंडर, वेंडर सीआर कर दो। अगर आपने लायबिलिटी भी खरीदी है तो यहाँ क्या आएगा, आपके लायबिलिटी सीआर होती है। अगर हम ये भी खरीदते हैं तो क्या करें, सीआर करेंगे। क्यों संपत्तियां खरीदते हैं, एसेट अकाउंट डीआर, तो वेंडर हो जाएगा। अब वेंडर क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, वेंडर को करेंगे पेमेंट, वेंडर अकाउंट डीआर टू। अब जो डिवेंचर है वो डिवेंचर का नाम लिखेंगे, 7% डिवेंचर, 7% 8% तो 8%, इधर ध्यान दोगे डिवेंचर आ गया। अब आपके इसमें अगर आपकी तीन स्थिति है, अगर सम मूल्य है तो यही उत्तर है, और अगर आपके डिस्काउंट है तो यहाँ एक लाइन एड कर लेंगे। कौन सी लाइन एड करेंगे हम, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और अगर आपके प्रीमियम है तो यहाँ एक लाइन एंट्री कर देंगे। टू में क्या आ जाएगा, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम, बस ये आपको दोनों में से कोई एक करना है, या तो प्रीमियम होगा या फिर क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो ये होगा या तो ये होगा। और फिर आपके यहाँ आती है, अगर कुछ पैसे अगर हम क्या देते हैं, हम किससे देते हैं, हम बैंक से या कैश से देते। मान लो कोई कह दे कि मैंने इतने रुपए, थोड़े रुपए मैंने कैश में दिए हैं, अगर मैंने चेक से दिए तो बैंक आ जाएगा, और मैंने रोकड़ दिया तो क्या आ जाएगा, आपके केस आ जाएगा। ये बहुत कमी होता है आपके, ज्यादा से ज्यादा आपके यही करना है। समूल्य है वेंडर टू डिवेंचर, डिस्काउंट है 1-2 और ये 3 एंट्री, प्रीमियम है 1-2 और ये 3 एंट्री, ऐसा करना है। अब देखो आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सविता लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी है 3,50,000, सविता लिमिटेड ने खरीदी है, अब किससे खरीदी है लिखा हुआ नहीं है, तो ये गलती नहीं होता, ऐसा नहीं सविता लिमिटेड का नाम लिख दो, टू में ये लिखा हुआ जरूर है लेकिन किससे खरीदी ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कितना खरीदी है, यहाँ वेंडर है मतलब जिससे खरीदी उसका नाम लिखना है। अब यहाँ इसका नाम नहीं दिया हुआ, कैसा दिया होता कि सविता लिमिटेड ने राम से बिल्डिंग खरीदी या मोहन से बिल्डिंग खरीदी, तो टू क्या आता, आपके मोहन आता, सविता लिमिटेड नाम नहीं आएगा, क्योंकि सविता लिमिटेड खरीद रही है, ये खरीद रही है, और देने वाला कौन है, देने वाले का नाम लिखा हुआ नहीं है, तो लिखेंगे जो संपत्ति खरीदी, क्या खरीदी मैं बताओ, बिल्डिंग खरीदी है, तो क्या आएगा आपके बिल्डिंग अकाउंट डीआर। अब टू क्या आ जाएगा, आपके वेंडर जिससे खरीदी, अगर यहाँ नाम होता पीछे कि राम से खरीदी, मोहन से खरीदी, राम का नाम आता, ये आगे से नाम लिखा हुआ खरीदने वाला, अब किससे खरीदी है वो लिखा हुआ नहीं, किसने बेची, किसने बेची थी है उसका नाम लिखा हुआ हो तो ही यहाँ नाम लिखना है, तो क्या लिखना है, आपको वेंडर लिखना है। कितने रुपए दे रखे हैं आपके, 3,85,000 यहाँ भी लिखेंगे और 3,85,000 यहाँ भी लिखेंगे। अब आपको 10% प्रीमियम पर हमने क्या है, डिबेंचर इश्यू किए, तो देखो अब आपको प्रीमियम पर है 1, 2, 3 एंट्री करेंगे हम, तो क्या हो जाएगी, आपके वेंडर को भुगतान करना है, तो वेंडर अकाउंट डीआर टू। अब डिबेंचर कौन सा वाला है, 5% है, तो लिखेंगे 5% डिबेंचर। अब अगर डिस्काउंट है तो यह आएगा, प्रीमियम है तो यह आएगा, तो यह लिखेगा हम सिक्योरिटी प्रीमियम, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ क्लेम, या सेकंड है ये लिखना सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो आपके रुपए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ 3,85, सब मूल्य है तो इसमें 100 का भाग देंगे, डिस्काउंट है तो 90 का भाग देंगे, प्रीमियम है तो ज्यादा का भाग देंगे, तो हमारे पास जो 3,85,000 है प्रीमियम कितना है बताओ, 10% प्रीमियम है, तो 100 का 10% कितना होता है आपके 10 रुपए, प्रीमियम दोनों जोड़ दो, प्रीमियम जोड़ दो भाग दो, कितना हो गया 110 का भाग दो, तो 2 0 0 कैसे भाग दो क्या कितना जाएगा आपके 35,000 भाग गया, तो कितना है आपके 35,000 डिबेंचर है, 3500 डिबेंचर, 2 रुपए 3500 डिबेंचर है। अब ये डिबेंचर है कितने के, 100 रुपए से गुणा करेंगे तो 3,50,000, और 10 से गुणा किया तो क्या आएगा आपके 35,000, दोनों की जोड़ कितनी होगी, इतनी डिस्काउंट है तो 90 का ही भाग देते, और अगर आपके यहाँ क्या नाम है, प्रीमियम है, तो जोड़ भाग देंगे, सब मूल्य है तो 100 का भाग देना, ऐसे ज्ञात हो जाएगा सिंपल।